साथ मैं हूँ मारिया मेमन और अपने तमाम देखने वालों को हम कहेंगे कि आपको ईद की बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो। वैसे तुम सारा साल सीरियस शोज करते हैं, गर्मा गर्म डिबेट्स करते हैं और जो भी हॉट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम बड़े ऐसे मेहमान मिलाते हैं जो बहुत सीरियस और बड़े थिंकर होते हैं और उस टॉपिक के वो चैंपियन होते हैं। लेकिन इससे हटकर इसके अलावा उनकी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, उनकी जिंदगी में भी रंग होते हैं, सियासत हो या कोई और फील्ड हो, उसके अलावा अपनी घरेलू लाइफ होती है। तो हमने कहा ईद पे क्यों ना कुछ मुख्तलिफ करें, आपको मिलवाए ऐसी ही एक शख्सियत से जिन्हें अगर हम कहें वो खिताब करते हुए तो बड़े धुआंदार खिताब करते हैं, सियासत के ऊपर भी आजकल बड़ी फोकस में उनकी पार्टी मुश्किलात का शिकार है। ईद का दिन वो कैसे गुजारते हैं, फारूक सत्तार साहब उनके घर पे मौजूद है और एक छोटा सा तोहफा टीम सवाले की तरफ से उनके लिए लेके आए हैं। कुछ बातचीत करते हैं, देखते हैं फारूक भाई की शख्सियत के वो पहलू सामने लाने की कोशिश करेंगे जो शायद आपने पहले नहीं देखे होंगे। आइए। ईद मुबारक। मुबारक आपको। आपको भी मुबारक। तो ईद के दिन ये बस आपको रेगुलर पहनावा है, व्हाइट शलवार कमीज पहनते हैं आप? वो जब नमाज पढ़ के आते हैं तो वहाँ नमाज में तो यही होता है। अच्छा। फिर शाम को जब निकलना है और कहीं अजीज और खारिब यहाँ जाना, ससुराल में हाजिरी मस्त होती है, ईद के दिन जाना जरूरी होता है। एक वक्त का खाना यूजली होता है ससुराल, खाना तो लाजमी है, या रात का खाना? हाँ, और मेरी ससुराल तो माशाल्लाह काफी बड़ी है। और जब रिश्ता मेरा गया था तो मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी ससुराल है। अच्छा, वो सरप्राइज मिला आपको? सरप्राइज मिला, वो एक एक करके सब आते गए। अच्छा। बहुत से दिन जब मंगनी हुई थी उस वक्त एक एंगेजमेंट टाइप, तो एक दो साले तो उस वक्त सामने आए। अच्छा, छुपा के रखे हुए थे बाकी आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। और एक दो साले भी उस वक्त सामने आए। अच्छा। फिर उसके बाद जब फिर मंगनी के बाद फिर एक आध नजर आया, उसके सोचा तो नहीं ये मैंने क्या कर लिया। मेरी सालियाँ माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो ये वो फिर तो ईदियाँ बढ़ी जाती होंगी आपकी तरफ से। बहुत ज्यादा खर्चा है। बहुत कितना खर्चा है ईद का? कितना खर्चा है ईद के वक्त, मतलब आपका लगभग उस दिन कितने जेबी ढीली हो जाती हैं? बस देखे ना, ईद में ये ईदी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो टोकन ऑफ लव है, ये तो टोकन ऑफ जिसे कहते हैं ओनरशिप। तो इसमें मतलब इसका हिसाब नहीं रखा जाता, हिसाब नहीं रखा जाता। अच्छा, और बेगम को भी ईदी देनी पड़ती? बेगम को सब भर आ गया कि कोई बात नहीं चले फिर ले। नहीं, बेगम को भी देते हैं। देते हैं। देखिए, मेरी दूसरी भी मतलब मैं दूसरी वाइफ भी है मेरी, वो इस्लामाबाद में है। अच्छा। फिर वो कोशिश करता हूँ कि बात से दिया तीसरे दिन फिर वहाँ पर भी चक्कर लगा लूँ, वहाँ भी हाजिरी दे। इत्तेदाल रखने का भी जो है प्रेशर होता है आपके ऊपर। तो वो सिर्फ ससुराल है, वो भी इतना ही बड़ा है उधर भी? नहीं, वो बिल्कुल काम है, वो बड़ा है, लेकिन ये वो उनकी सारी बहनें यहाँ नहीं, उनकी भी बहनें बाहर हैं, या उनसे बहुत ज्यादा मेरा नहीं है मिलना। अच्छा। बच्चों से जरूर मिलना है क्योंकि उनके भी फर्स्ट वेडलॉक से तीन बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। उनको मैं ओनरशिप देता हूँ। अफशा से मेरी दो बेटियां हैं, वो दोनों भी मुल्क से बाहर हैं। अच्छा। और अब माशाल्लाह बड़ी वाली तो पीएचडी कर रही है फिजिक्स में। फिजिक्स में? जी हाँ, बड़ा एन आर्वर यूनिवर्सिटी। बड़े प्राउड होंगे आप तो इस बात में, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सियासत में कुर्बानी देनी पड़ती है ना, औलाद को भेजना पड़ा उनकी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। मैं एक्चुअली जेल में था और बार बार जेल जाता था, मैं बाज नहीं आ रहा था जेल जाने से। बच्चों से पूछेंगे अब्बू कहाँ है जेल में, तो जरा एम्बैरेसमेंट हो। तो वो कहते थे बेटा तुम लोग रेल में रहो, अब्बू को जेल में रहने। तो देखिए, बाहर कोई पूछे पूछेगा नहीं कि अब्बू पाकिस्तान में, तो ये सिलसिला चलता था। ये पर्सनल कॉस्ट है ना सियासत की, ये लोगों को नहीं पता चलता। लोग समझते जी अयाशी है तो बड़ी गाड़ियाँ तो बड़े होते तो जी पैसा छाप रहे, सियासतदान ही सोचते हैं ना कोई सियासतदान। ऐसा ही है। हम किसी प्रोफेशन में भी जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वहाँ बहुत ज्यादा और इससे ज्यादा कमा लेते हैं, और यहाँ तो जब लोगों के लिए बिल्कुल जो भी आमदनी के सराय हैं वो हैं, और उसी घर में अल्लाह के फसल घरों से। मेरा नेबरहुड पीआईवी कॉलोनी, ये बड़ा मिडिल क्लास नेबरहुड है, बहुत मॉडेस्ट नेबरहुड है। इस घर से तो ईद से भी बहुत ज्यादा होगी ना यादें वाबस्ता, ऑब्वियसली बड़े हुए हैं। सबसे क्या यादगार इस घर के मुतालिक, कि कोई खास तरीके से जाया करते थे या कोई बड़ी दावतें यहाँ हुआ करती थी? अब तो और तरह का स्केड्यूल है ना। दावतें भी होती थी, पहले ये था ना कि ये घर में एक सहन जरूर होता था, बड़ा सहन। हाँ। और वहाँ फिर सारे मेहमानों की खातिर होती थी, लेकिन अब चूंकि फिर दरख्त भी कट गए। हाँ। पहले दरख्त होते थे तमाम घरों में, इस पूरे इलाके में, पूरे इलाके में। वैसे कितने कहीं बादाम का, कहीं आम का, कहीं अमरूद के, कहीं केले के,
और हमारे पड़ोसियों को उनके दरख्त से आम मिले उससे पहले हम उनके घर उन्हीं के आम भेज देते थे। कोई कहते थे कि इनके दरख्त भी नहीं है, फिर भी आम भेज देते। तो उगता फिर कभी खुला कभी वो खुल गया। तो ईद में भी आके अगर कोई सीजन ऐसा है तो फिर सबसे पहले छत पे जाना और लोगों के दरख्तों का इंस्पेक्शन करना। अच्छा, यानी बचपन से ही सियासी सफर आपका शुरू हो गया था कि एक कदम आगे चलना है जी मोहल्ले वालों से। एग्रेसिव पॉलिटिक्स और फिर एजिटेशन की पॉलिटिक्स। अच्छा ठीक है, तो आपकी बेगम से भी अगर हो जाए मुलाकात ईद वाले दिन, उनकी मसरूफियात होती है। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक बेगम भी आपके। ये बड़ी हमाहंगी है, बड़ी हम मीटिंग यू। बहुत सुना था आपके बारे में। चलें, थैंक यू। नहीं तो ये हमाहंगी रंगों में जो है माशाल्लाह, मिजाज में भी वही हमाहंगी। पहले तो जरा कुछ नेचुरल था ना, तो कुदरती हो जाती है। ये प्लान करके पहने हो जाती है कभी कभार। तो ये कह भी रहते कि तुम्हारा तो पूरा व्हाइट है, रेड तो कुछ है नहीं। अच्छा, है ना, चूड़ियाँ पहन लेती है। अच्छा, ये इनकी ख्वाहिश पे आपने चूड़ियाँ, इनकी ख्वाहिश में रेड चूड़ियाँ पहन ली। मैंने जब मैचिंग की है तो फिर पूरी तरीके से। तो वैसे इनकी पसंद पे कपड़े पहनती पहन लेती है या खुद ही अपना कोई? मैं अपना कर लेती हूँ, फिर कभी इनकी पसंद से भी जब कहीं जाना होता है खास उसमें शादी उसमें तो हम लोग फिर मैचिंग कर लेते। अच्छा, कोऑर्डिनेट करके जाओ? कोऑर्डिनेट करके। ये मुझसे पूछते हैं क्या पहन रही हो, फिर मैं इनको बताती हूँ। नहीं वैसे ये तो मैं भी पूछ लेती हूँ अपने शौहर से कि टाई कौन सी रंग की लगा रहे हो, या थोड़ा जरा वो खवातीन क्या कैसे आदत से होती है। तो ईद के दिन कैसे, ये तो मैं बता रहे थे पर्सनल मसरूफियत, मसरूफियात भी तो होती होंगी। आप भी पॉलिटिकली फिर मुलाकातें? मैं जो है अब थोड़ा सा इन हो गई हूँ, पहले नहीं थी इतनी ज्यादा। जब से यहाँ पे आई भी ऑफिस बन गया है तो जो बाजियाँ इनकी होती है ना एमकेएम की, वो आने जाने लगी है, तो मैं भी थोड़ा सा इंटरेक्शन बाजियों के साथ हो गया है काफी। तो ईद पे ईदी शक वगैरह अपने से की खूब वसूल कर लेते हैं, पहले जोड़ा खुद लेती है या इनसे पहले कहते हैं कि जोड़ा? मैं तो बस कहती हूँ मुझे बस दे दें, क्योंकि बच्चों के भी पार्सल भेजने होते हैं, बच्चे यहाँ पे नहीं है अमेरिका में, तो उनकी तैयारी लेना इनका काम, बाकी मेरा काम ईदी। सारे काम ये जो मैंने पहना ये तो ईदी है इनकी। अच्छा, मैं लेकर आई हूँ। अच्छा। और मैंने इनसे कहा ईद पे आपको यही पहनना है, इसलिए आज इन्होंने यही पहना है। अच्छा, मुझे पता उसमें से कुछ मेरे लिए। यानी पैसे आप ये सोच समझ के खर्चती हैं, आपको ये ट्रस्ट कुछ होता है ना, मर्द आप कहते हैं कि खवातीन हमारी फजूल खर्च है, ये ऐसी नहीं है, सोच समझ के खर्च करती है। अच्छा, ये तो हो गई पर्सनल बात, सियासी तौर पर पिछली ईद और इस ईद में तो बड़ा कुछ हो गया, क्या फर्क है अब, मतलब उस कैंप में है उनमें से किसको मिस करते हैं अभी? हुआ है कभी ईद वाला दिन है वो फोन उठाए या आप फोन उठाएं कि जी बस करें, हमारा वोटर भी परेशान है, आप भी परेशान है? मैं समझता हूँ कि मैंने कोशिश की और मैं चला गया, सारी अपनी शरायत एक तरफ रखी, तो मैं इस मिशन पर निकला और मैं कई बार चला गया, लेकिन फिर वहां से अब शरायत आना शुरू हो गई कि भाई ये वाला इख्तियार नहीं देंगे, ये वाला नहीं देंगे। तो वैसे ही मैं ये महसूस कर रहा था कि बेख्तियार एक सरबरा इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाए, और उसी से इख्तलाफ भी पैदा हुआ, तो मैं समझता हूँ सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। चलें, थोड़ी सी बात वैसे ये करनी भी बहुत जरूरी थी क्योंकि इलेक्शन से पहले बार बार ये बात हुई, लेकिन थोड़ा सा इसको जरा लाइट बूम भी लेके आते हैं। तो आपको पर्सनल तजर्बा शेर वेर सुना के कभी मनाते हैं? नाराजगी हो तो फिर कैसे मनाते हैं? ये वैसे ये मुझे मेरा फेवरेट सवाल है, ये मेरा मियाँ भी देख रहा होगा ये शो, इसलिए आज का जवाब आप शादी से पहले पटाने में भी बहुत बड़ी शेर आते हैं। अच्छा, वो कैसे किया जरा, हो सकता है इससे रहनुमाई मिले, लॉन्ग स्टोरी, लेकिन ये शॉर्टकट आप बता दें क्या हुआ। चलें बता दें। तो ये इनकी अम्मी और इनकी फैमिली को आई थी मरीज बनकर ना। अच्छा, वैसे बहुत ही ये फिल्म बननी चाहिए इस पे, मरीज बन के। ईएनटी में तो देखे ना, वो कान नाक देखा जाता है ना, ये मुँह देख अब दिल तक पहुंचने मैंने तो कहा था कि वो आंखों के जरिए से शॉर्टकट होता है, तो काश आएगी क्लिनिक में तो ज्यादा अच्छा होता। अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश की एड्रेस मांगने की, फोन नंबर मांगने की। अच्छा, एड्रेस भी गलत दिया, फोन नंबर भी गलत दिया। क्यों? नहीं, मुझे बहुत मतलब ऑफर फील हो रहा था, शुरू शुरू में नहीं दे देते नंबर और एड्रेस, अननोन है और मुझसे
तो मैं घर आके मैंने कहा सब कुछ मैंने गलत दिया, शुक्र अच्छा। लेकिन आपने फिर भी प्रोएक्टिव एजिटेशन की जो सियासत है ना, मेरी तो खैर मतलब नियत थी और गुड इंटेंशन थी, तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है। तो फिर कैसे ढूंढा आपने? देखिए ढूंढा नहीं, उनको अल्लाह ताला को पता है कि भाई कोई चीज सही बात है, इरादा किया हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, अल्लाह तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं, मैं तो नहीं घबराया। और चले जब वो सब कुछ गलत दे दिया, फिर फारूक भाई फिर भी किसी तरीके से बने ना, तो फिर तो 2-3 साल बाद की बात है, 2 साल बाद आप भी भूल गए, आप भी बस भूल तो गए हम अपने रास्ते। अच्छा, तो लेकिन फिर ये हुआ कि जब मैं मेयर बन गया तो हमारी एक कैनाल की सफाई के लिए पानी बंद होना था। अच्छा, अप्रैल का महीना था, तो फिर मुझे टीवी पे आना पड़ा, तो इनके वालदा ने मुझे देखा, उन्होंने कहा तो वही लड़का है भाई। अच्छा, अम्मी ने भी बिल्कुल उन्हें को पता था कि जवाब भी लाएंगे, सेकंड ये नहीं आई थी, सेकंड अम्मी आई। हाँ, मैं कहा मैं नहीं जाऊंगी, पता नहीं कौन है मेरे पीछे पड़ गए, अब मैं मुझे नहीं जाना। अच्छा, अम्मी आई थी, फिर अम्मी ने पहचाना इनको एक्चुअली, फिर अम्मी ने मुझे कहा, फिर फोन किया तो ये पहचान गए फौरन, को मुबारकबाद दी कि आप मेयर बन गए। अच्छा, तो हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि इसलिए हम फोन कर रहे हैं, लेकिन ये पहचान गए फौरन, अब आज सुन जैसे फोन किया जैसे का पहचान आप, मैंने कहा पहचान गया, अफशा भूल गई। बड़ी वैसे कमाल की फोटोग्राफिक मेमोरी और आवाज, वॉइस रिकॉग्निशन आपने आला तो नहीं फिट किया हुआ की आवाज पहचान ले, 2 साल बाद तो वैसे फिल्मी बड़ी बड़ा स्क्रिप्ट है, बन सकती है फिल्म कोई। फिर आगे भी बड़ी फिल्म चली है। अच्छा, आगे भी फिल्म में फिर आपने हालात खराब कैसे कर दिए? सेकंड जब ईद शो करने आएंगे, मैंने पूछा कि भाई वैकेंसी खाली है या नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट हां सामी है, ठीक है बेस्ट। फिर बस मनाया आप अम्मी को, आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी कितने सालों के माशाल्लाह शादी को, 30 हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर। ओह माय गॉड, नहीं मुझे क्योंकि मुझे उनकी उम्र देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि 30 साल हो गए आपके भी, लेकिन खवातीन जरा उम्र के बारे में ज्यादा कॉन्शियस होती है। चले बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। चले अच्छा, फिर उस पर शादी वादी की बात, मुश्किल है एक सियासतदान की बीवी होना खास, क्या सबसे बड़ा चैलेंज? हम तो हम ये लोग भी ये कहते हैं कि जी बड़े अच्छी होगी, मैडम बन के फिरती होंगी हर तरह, उनसे पूछे आगे कोई ऐसी अयाशी। अच्छा, कि तो इधर भी धमकियां, मैं उसको बता दूंगी, उधर भी धमकियां, मेरा काम करो। नहीं तो बाय नेचर मैं ऐसी हूँ नहीं, मैं तो सबसे फ्रेंडशिप है, घर में हमारे जो मेट्स हैं सब मैं नहीं होती हूँ, सब बहुत सैड हो जाते हैं कि भाभी नहीं है साथ। सबसे बड़ा मुश्किल क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि एक तो इनके लिए परेशान वरी रहना हर वक्त, अल्लाह पाक इनको अपने जुमान में रखे, इनको दम करके भेजना ये करना, बस यही है कि रोज दम करके भेजते हैं। हाँ, मैं भी और अम्मी भी। अच्छा, तो डबल दम के आप हिसार में जाते नहीं, अम्मी बहुत ज्यादा करती है, तो बस यही था, अम्मी से भी मिलेंगे। उन्होंने सियासत के अंदर अम्मी जान की एंट्री के बाद जो था वो भी बड़ा जबरदस्त एक मोमेंट है पाकिस्तान की टेलीविजन हिस्ट्री में, जहाँ आंटी आई थी फिर उन्होंने ये बात। तो सबसे वो वाला मौका जिसमें बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक पॉइंट आता है कि बंदा कह के खास तौर पे बतौर बीवी के दिस इज नॉट वर्थ इट, छोड़ दें छोड़। अभी इस टाइम पे मैंने एक दफा दो दफा उनको कहा कि लेट देम डू इट, मतलब उनको करना है करें, जैसा भी करना है आप उनको हैंड ओवर करते हैं, कर ही एक तरह हो ही है। मैंने कहा आप बस थोड़ा सा साइड में हो जाए, मैंने इनको कहा एक दो दफा, बहुत टेंशन में आके ना, मतलब वहाँ के लोग रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, सब नहीं कर रहे, तो फिर क्या फायदा इन चीजों का ना, मतलब इतने सालों का साथ यूं करके उन्होंने खत्म कर दिया ना। एक दिन पहले तक घर पे आए थे और हमने उनके लिए पूरा नाश्ता पूरा मैंने खुद बनाया था उनके लिए, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता बाजार का मैं आज बनाऊंगी, और नेक्स्ट डे पता नहीं मेरे नाश्ते में मेरे दही बड़ों में क्या चीज थी वो खाते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसके तो यानी आप सारा इसका फिर जो है कसूर बार आप खुद ही मान रहे हैं, आप खुद मान रहे हैं। नाश्ते की जगह निशास्ता कर रहा था फारूक, मैं आएंगे वो लोग घर पे उनको सलाम भी नहीं करूंगी, उन्होंने ऐसा किया है मतलब इतने सालों का साथ था, और सिर्फ तहरीक में नहीं था, ये लोग इतनी अंडरस्टैंडिंग थी इन लोगों की, बिल्कुल भाइयों के तरह रहते थे, एक साथ खाना खाना उठना हंसना सहना जाना आना सब साथ ही होता था ना, भाई लड़ते भी भाई ही आपस में। लेकिन अल्लाह करे कि इंशाल्लाह उनको भी समझ आ जाए कि हम भाई सब लोग हैं और एक साथ हो जाए। चले यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगु चल रही है फारूक सत्तार साहब और उनकी बेगम के साथ, अब ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक। और फारूक सत्तार साहब के साथ और उनकी बेगम के साथ के घर में आज हम ये ईद मना रहे हैं, और इस मौके पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उनकी वालदा से आपकी मुलाकात कराते हैं। उनकी वालदा को आपने पहली दफ़ा, एटलीस्ट मैंने तो देखा, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब फारूक सत्तार साहब ने दे दिया था इस्तीफा, वो वापस आई अम्मी, और उनमें कहा गया कि अम्मी जान की एंट्री हुई पाकिस्तान कराची की सियासत में, और फिर फारूक साहब ने इस्तीफा वापस ले लिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप अम्मी जान? ले अम्मी, ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक हम लोग की तरफ से। कैसी हैं आप? ठीक है। ईद के दिन मुबारक सबकी तरफ से। ईद का दिन कैसे गुजरता है? हमें भी ईद मुबारक भाई, बहुत शुक्रिया। सबको ईद मुबारक। हाँ, यहाँ जितने भी आए भाई लोग बहन मैं सबको ईद मुबारक। ईद का दिन कैसे गुजरता है? कैसे गुजरता है ईद का दिन? अच्छा गुजरता है। अच्छा, अब अच्छा गुजरता है, बच्चे शच्चे पास हैं, ठीक है, सुकून है, अच्छा गुजरता है। अच्छा, हमने आपको देखा उस दिन, आप आ गई मीडिया के सामने, आपने आके जो फारूक साहब से इस्तीफा, लेकिन मुझे हाथ पकड़ के ले आई। अच्छा, आज भी नहीं आ रही। हाँ, तो लोग ले आए थे। अच्छा, लोग ले आए थे। तो आप क्यों सो, आप क्यों, आपने आके जब बात की तो आपकी हर बात मानते हैं। उस दिन जब आप आई थी ना टीवी पे, जब बाहर मैं जब सियासत छोड़ रहा था तो आप आई थी बाहर, तो उस दिन क्या हुआ था पूछे? जिस दिन मैंने सियासत छोड़ दी थी, फिर सब मनाने आ गए थे, तो फिर आप आई थी, तो आप क्यों आई थी? मैं तेरे को मनाने आई थी। ये भी मेरे को मनाने आई तो आप इनकी कोई बात नहीं डालते? करता है वैसे, कर तो जैसे करता है, रहे तो नहीं करती। अच्छा, ये बोला मैंने। एक बात टाली हुई थी कि शुरू से ये लोग सियासत में जाने के खिलाफ थे। अच्छा, घर वाले तो उस वक्त मैंने छुपाया हुआ था। खिदमत करते हैं। तो आप क्यों चाहती थी सियासत में ना आए? नहीं भाई, फिर ये टाइम का, इसको सोने का भी नहीं मिलता टाइम। अच्छा, पता नहीं टाइम पे। अच्छा, तो फिर माँ की यही परेशानी होती है ना, जब औलाद जितनी बड़ी हो जाए वो खुद नहीं टाइम पे, सोए नहीं टाइम पे। अच्छा, तो फिर हम तो हमारा दिल वो भी नहीं कि हम माँ बाप है। अच्छा, तो टाइम नहीं गुजारते, साथ वक्त नहीं मिलता, टाइम नहीं देता। अच्छा, जो वही शिकायत नहीं देता है। तो आप इन पे रोजाना दम करके इन्हें भेजती हैं, क्या पढ़ती हैं? दम करके भेजती हैं, मुझे दम करके। क्या पढ़ती हैं? क्या पढ़ती हैं? आयतुल कुर्सी। अच्छा, महिला फिकी सूरह। अच्छा, पढ़ के दम करते तीन मरतबा। अच्छा, से असल में नजर जम जाती है। अच्छा, माशाल्लाह, महिला फिकी सूरह तीन मरतबा। हाँ, बुरी नजर जल जाती है, अच्छी नजर सब आती है। अच्छी जो है नजर आती है। अच्छा, अब ठीक है, अब बेटे ने एक मकाम पाया, पार्टी का इतना बड़ा बन गया, अब सही है, अब कहते ठीक था, अब सही था, फिर नहीं माना। अच्छा, शुरू में मना किया। अच्छा, मारशार पड़ती थी? माना नहीं। बचपन में मारशार लगा देती थी कभी? पिटाई होती थी मेरी, पिटाई बचपन में, बचपन में पिटाई होती थी मेरी। नहीं नहीं, मारते नहीं थे? हमें नहीं मारते। आपने अब्बा? अब्बा भी नहीं, अब्बा मारते थे। और कभी कभी शरारत करने पे एक मरतबा, एक दो मरतबा, एक दो, आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता, सिर्फ एक मरतबा बस। अच्छा, किस बात पे? किस बात, पढ़ाई पे? उसको शौक था इसमें, सियासत में। अच्छा, फिर वो बाथरूम में भी तो बंद कर देते थे? बंद कर देता था बाथरूम। नहीं, मुझे बंद कर देते थे ना बाहर, बस में बंद कर देते थे। अच्छा, फिर वो अंदर से बंद कर देता। नहीं, फिर मैं नल खोल देता था। अच्छा, टैंक खाली हो जाता था। अच्छछा, फिर जब खोला के लोग आ जाते थे, पानी खत्म हो गया। अच्छा, करो बंद, हर चीज का तोड़ नल खोल देता था टंकी का। आप तो वैसे बिल्डिंग में रहते थे, दूसरे भी फ्लैट थे, फ्लैट वाले बोले ना हमें कि भाई पानी किसने इतना जाया कर दिया। तो फिर पता तो चल जाए कि फारूक भाई है। अच्छा, फारूक भाई ने खोल दिया भाई कहना। तो वैसे क्या है, किस बात पे मार पड़ी सबसे ज्यादा? वही पढ़ाई वक्त पे, अगर नहीं होमवर्क नहीं किया और खेलने से लेके स्कूल से आते ही, तो इन चीजों पे जाहिर है कभी कभी। तो बेटियों के लिए सख्त बाप है, औलाद के लिए अब सख्त बाप है, उनको डिसिप्लिन कोई चीज है कि भाई इस मामले में मैं सख्त, पढ़ाई हो या कुछ भी हो?
ये बड़ा एक अजीब मेरा एक वो रहा, मैं बच्चों को ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं दे सका। अच्छा। क्योंकि वो बचपन से ही मैं जेल में, वो रेल में, माशाल्लाह अमेरिका में छोटे थे और मेरा फिर जब मैं जाता था तब मैं मिलता था। अच्छा। तो इसी तरह मेरा वो रहा उनके साथ, बच्चों के साथ, लेकिन मेरे साथ कंफर्टेबल बहुत है ना बेटियां, दोस्त उनको दिया है और सारी बातें शेयर करना। अच्छा माशाल्लाह। छोटी बेटी ने ग्राफिक डिजाइनिंग और फिल्म मेकिंग में डबल मेजर्स किया, बैचलरशिप अमेरिका से ही पढ़ी, यूसी डेविस। अच्छा। अब शर्मिमा 13 साल रही। मैं अभी आई हूँ 2012 में वापस। अच्छा, वापस क्यों आई हूँ? कि हालात कराची में सोचा मुझे कि वो दोनों सेपरेटेड हो गई थी फिर, क्योंकि अच्छा उनको सेटल वगैरह करी है उनके वहां पे, वो था सेटल डाउन माशाल्लाह। अच्छा। हां तो वो पीएचडी के लिए दोनों जब सेटल हो गई थी मुझे सेटल कर दिया। उन्होंने कहा अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल वो हो गई, छूट दे दी। हां, जब तक वहां थी तो आपने क्या यहां पे मतलब क्या कोई मतलब कोई अन्नी पाई हुई दूसरी शादी। अच्छा, अन्नी पाई हुई उधम मचाई मेरी एक्सेंस। हां ठीक है, चले आंटी आराम कर ले। अम्मी थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अब हम इनके छोटे से किचन में आ चुके हैं, बड़ा प्रैक्टिकल किचन है, छोटे किचन बहुत प्रैक्टिकल किचन होते हैं, सबसे अच्छी बात है साफ रखना। बिल्कुल, छोटे किचन, छोटे घर, छोटे मोहल्ले, बड़े दिल के लोग। अच्छा, तो सिर्फ खाने का शौक है या कुछ हाथ पाथ भी लगवा देते हैं? नहीं, सर्व कर दूंगा, ये जो ट्रे है उसको ले जाके मेहमानों के सामने रखना। ट्रे सेट करने आते हैं कि नहीं? ज्यादा अमेरिका में बच्चे कहती है पापा वी आर फैमिली, तो कहती है पापा आप ही हमारे साथ चले, प्लेट्स लगाए उनको अच्छा लगता है। कभी कभी बर्तन भी धो लेते हैं जबरदस्त। अच्छा, ट्रॉली सेट करनी आए, ट्रे सेट करनी आ जाती है कि वो अलग बात है, मेरा काम ट्रे को पहुंचाना है, बाकी वो सेट खुद ही हो जाता। अच्छा, खाने में तंग वगैरह करते हैं? खाने में तंग बिल्कुल नहीं, बस एक चीज का है कि चपाती थोड़ी पतली होनी चाहिए, पराठे इतने पसंद नहीं है, बस ऑयल पराठा और चपाती गरम गरम नहीं, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल गरम हमारे तो नहीं है, उतरी हुई ये नहीं है, लेकिन बस चपाती पतली बारीक हो खाई जाए सही तरीके से, और इतना खाने में चूज ही नहीं है ये, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बस ये कि दाल चावल सब्जियां, हाँ ठीक, फरमाइश कोई होती नहीं इनकी वैसे, लेकिन मिल जाते हैं, इनकी पसंद हम लोग को पता है क्या है, तो हम लोग ख्याल रखते हैं कि इनकी पसंद कहीं दें तो अच्छा। तो आप क्या स्पेशल बनाती हैं ऐसे इनको? ऐसे मैं तो स्टू जो बनाती हूँ इनको बहुत पसंद है। अच्छा, स्टू बहुत दिनों से ऐसे बनाया नहीं, लेकिन स्टू चिकन का कीमा इनको बहुत पसंद है और एक दही बड़े बहुत पसंद है। अच्छा, मेरे हाथ के। अच्छा, तो ये ईद के दिन की आप लोगों की? हाँ, चले भैया आ जाएं। वाह वाह, ये अब आपका ट्रॉली सेट करने में भी, हाँ, ट्रे सेट करने में भी आज मदद करे, मैं बिल्कुल हाँ, जायजा ले रही हूँ फारूक साहब आपका सुगड़, मैं ये पूरी नहीं, करते हैं ये, जैसे रात को मैं कभी खाना ऊपर ले जाती हूँ सेट करती हूँ, तो ये पूरी सब कुछ खुद ही करते हैं। अच्छी बात है ना, देखिए दोनों जो मियाँ बीवी होते हैं वो एक इक्वल पार्टनर है शादी के अंदर ना, एक के ऊपर आप सारा बोझ नहीं डाल सकते। हमारी बच्चियाँ भी यही कहती है ना, इक्वल होना चाहिए, साथ में हेल्प करें, तो उन लोगों की भी नेचर वैसी ही हो गई है ना, मैं बिल्कुल नहीं, बड़ी जबरदस्त है। तो बस बिल्कुल सिंपल वगैरह ईद के दिन आपका मेन्यू होता है? हाँ, ज्यादा नहीं खाना, शीर कोरमा जैसे। चल आइए, चल पहले कि हम ये खाने पे हाथ साफ करें, हमसे वादा लेंगे खाना खाएंगे जरूर, उन्होंने खुद बनाया वो भी हम खाएंगे। एक छोटा सा हम मजेदार सी गेम खेलते हैं दोनों मियां बीवी के साथ भी, लेकिन फारूक भाई से कुछ सियासी सवाल भी बीच में हम पूछ लेंगे। सबसे पहले तो बताएं घर में फाइनल किसकी चलती है फैसला, अगर किसी ने लिया है वीटो की पावर है इनके पास या बस ले लिया फैसला तो ले लिया? नहीं, ये भी तय कर लेते हैं कि इनके बाद किसकी चलेगी, तो इनके बाद मेरी चलेगी। ये तो बिल्कुल चाहते हैं मैं निकल ही जाऊं। तो अल्टीमेट जो फैसले साजी की वो आपकी है? अम्मी के वैसे चलते हैं ना ज्यादातर, हम लोग अम्मी को कहते हैं। अच्छा, वालदा साहिबा को अपने दीवे पापा फैमिली की जो है, मतलब जो मेरा हैदराबाद में हाल था मेरा, वो घर में भी वही हाल है, यहाँ भी सियारात की जंग आप यहाँ भी लड़ रहे हैं, और ये तो बका की जंग मुसलसल है। तो बेटियाँ किसका ज्यादा साथ देती हैं? वैसे तो बाप का ही देती हैं एक ट्रेडिशनल घराने में, बेटियाँ हाँ बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं बिल्कुल। अब कभी हालात ऐसे तो लोग बहुत परेशान थे, बार बार कॉल करना, बड़ी बेटी भी ज्यादा हसास भी होती है ना बेटी, वैसे हालात चल रहे क्या कर रहे हैं, वाले साहब से क्लोज है वो ज्यादा
अच्छा डांटती आप हैं फिर बुरी वो होता है माओ को बुरा हाँ। अच्छा एक और बात भी होती है जो मर्द हजरात है ना वो माओ को आगे करके उन्हें बुरा बनाते हैं ठीक है हालांकि पीछे से उन्हीं का एजेंडा इम्प्लीमेंट हो रहा होता है ऐसे ही होता है इधर भी माँ बुरी है लेकिन अब्बू अच्छे हैं पीछे से अब्बू अच्छे हैं मुझसे थोड़ा डरते हैं मुझसे लेकिन इनसे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा फ्रेंडली रहते हैं अच्छा शादी के बाद जो पहला तोहफा दिया था याद है कुछ आपको याद होगा मेरे ख्याल खवातीन बहुत याद रखती हैं इम्तिहान आगे एक ही दिया था ना तो इसलिए याद है अच्छा याद है लॉकेट की शक्ल में और पूरा फ्यूचर दे दिया उसके बाद क्या बचा लेकिन वो फिर भी खवातीन होती ना वो फिर भी बेचारी वो भी मासूम होती कहते नहीं कोई कभी तोहफा मिल जाए वो कभी कभी हो जाता है अच्छा कहीं बाहर गए वहाँ से कुछ ले लिया यहाँ से कुछ और मैं तो शाम को ही कह देता हूँ वो तुम ही खुद कर लिया बर्थडे पे मैं मांग लेती हूँ खुद ही मांग लेती ठीक है पता चल जाता है कि याद भी रहना द होल ईयर मैं कुछ सवाल नहीं कुछ नहीं कुछ अच्छा जब बाहर के दौरे होते हैं तो कोई ना कोई तोहफा कभी लाना पड़ता होगा तो ये खुद ही ले आते हैं ठीक ठाक तोहफा बाहर से कभी जाते हैं तो कोई फ्रेग्रेंस पता होता है ना कि ये चीज लेके आनी है मैं कोई फरमाइश सच नहीं करती हूँ बीवी को भी सबर आ जाता है अगर इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटी वाली सब सिर्फ देखती है तो पता चल जाता है कि किस तरह डांट रही है कुछ बोलती भी अच्छा चलो थोड़ा सा आपसे ये सवाल पूछते मैं नाम लूंगी सियासी शख्सियत हैं जो भी आपके जहन में पहला जुमला आए आपके ना कोई फर्स्ट रिएक्शन तो वो मैं आपके जान परवेज मुशर्रफ स्पीचलेस हो गए फारूक भाई आपको तो जबान के ऊपर कमांड है आपने गुड एडमिनिस्ट्रेटर गुड एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा शेख रशीद साहब मतलब ये कि सीरियस कॉमेडियन आज भी वो बड़े मजे की कॉमेडी कर रहे थे कि जो निगरान वजीर आजम है मुझसे दो गलियां छोड़ के रहते हैं तो वो हर कोई उनके मोहल्लेदार हो गए पाकिस्तानी आवाम वैसे पसंद करती है उन्हें घर में भी फैन है शेख रशीद साहब इमरान खान थोड़ा एरोगेंट है और पॉलिटिकल टेम्परमेंट कम है उसको थोड़ा डेवलप करने की जरूरत है अच्छा इस उम्र में भी आपका ख्याल है गुंजाइश है नहीं अब जिस जितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई और शायद आगे उठाने की वो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा इत्तेदाल लाना पड़ेगा आसिफ अली जरदारी साहब जिसे कहते हैं ना कि वो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं अच्छा प्लेबैक सिंगिंग होती है असल में वो गा रहे हैं लेकिन मशहूर हो रहे हैं वो जो सामने के अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग जबरदस्त बात की है मजेदार एनालॉजी है असल गाना वो गा रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन चौधरी शुजात जीरक सियासतदान है अच्छा बहुत जीरक और बहुत सीनियर और तजुर्बेकार चौधरी निसार के लिए तो किसी ने भी कहा था कि वो शहबाज शरीफ ने कहा था कि बच्चे हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है एक मतलब नुमाया है वो अपनी साथ में अंजुमन है अच्छा अपनी साथ में अंजुमन बिलावल भुट्टो लॉन्ग वे टू गो अभी बहुत टाइम चाहिए अभी इश्क इम्तिहान और भी हैं अच्छा मुस्तफ़ा कमाल ईद का देना चले कोई अच्छी सी बात कर दे देखें मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें मेन स्ट्रीम में आना होगा एमक्यू की अच्छा हाँ वो हमारी ही आइडियोलॉजिकल जो फैक्ट्री है उसका प्रोडक्ट है ऑफ शूट है हमारा ही प्रोडक्ट है अच्छा काम किया और लोग उनको एक ब्रांड है वो भी तो मेरी ख्वाहिश होगी कि वो एमक्यू में वापस लौट आए कामरान टिसोरी साहब उनको बड़े वो आपके मुझे लगता है जान जैसे कहते हैं एक दूसरे में जान है तो फैमिली ऐसी होंगी एक्चुअली कामरान बहुत सिंसियर दोस्त हैं बहुत मुखलिस है बुरे वक्त में पार्टी को ज्वाइन किया और
पार्टी के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। तो मेरी असल में उनकी वाइफ और अफशा दोस्त हैं। अच्छा, बहुत अच्छे। और मैं उनके साथ, मेरी दोस्ती बहुत सालों से, तो फैमिली फ्रेंडशिप बन गई, सियासी फैमिली फ्रेंडशिप है। बस वो जैसे कहते हैं ना कि टैलेंटेड बहुत है। अच्छा, और जब हर बात में बोलते हैं तो क्या टैलेंट है, वैसे लोग ये भी पूछते हैं क्या टैलेंट है, बोलते हैं खराब हो गया टैलेंट से डरते नहीं है। अच्छा, उसमें कितनी गलतियां की कामरान ने, बस ये कि दूसरों को जो है कभी एलिगेशन है उस पे तो वो लोग कहेंगे, लेकिन ये कि जो पंचिंग बैग बन गया एक पार्टी, पंचिंग बैग है, आसान है उनको करना। आमिर लियाकत है मेरा आखिरी आपसे, मैंने अपना आखिरी गुगली आखिर के लिए बचा के रखी है। बहुत इनस्टेबल है वो, मैं ये भी नहीं कहता कि अनरिलायबल है। अच्छा, हालांकि एक वक्त था मैं ये सोचता था, लेकिन इनस्टेबल है थोड़ा। अच्छा। सा उसको स्टेबल होना होगा, लोगों का इत्माद एक बार हासिल किया तो उसको कायम रखे। ये फौरी फौरी जो है ना वो केंद्रे बदलना और बहुत सारी, यानी वो अभी वो पॉलिटिक्स में इतने नुमाया नहीं है, और वो जो यू टर्न इमरान खान के लिए मशहूर है। फिर आमिर लियाकत में भी ये बात आती है, लेकिन मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि उसकी जो सलाहियतें हैं उससे मुल्क को भी फ़ायदा, और मेरा वोट बैंक, मेरे कॉन्स्टिट्यूंट्स, मैं समझता हूँ कि उनको ज़रूरत है आमिर लियाकत की सलाहियतों। अच्छा, उसकी खूबियों की। अच्छा, जबरदस्त बारीक बात किया काफी। चले आप जाते जाते कभी गाना शाना, उसको बच्चे गाना क्या, बच्चे कहेंगे, बच्चा है वो, वो भी बच्चे हैं, जरूर मैं कहूंगी भी। कोई गाना शाना कभी सुनाया आपको फारूक भाई ने? वैसे ये मैं जरा मैंने कहा जाते जाते नहीं नहीं, गाना तो बहुत अच्छा गाना। अच्छा, हम दोनों मिलके भी अच्छा गाते हैं, कुछ बना दे हमारे देखने वालों के लिए भी। मैं साथ साथ अपने लिए शीर खुरमा डालती हूँ, मैं तो डालूंगी आपका, आप जरा आप भी बताएं कैसा बनाया ना। गाना शाना भी गाए तो हमारा भी मजा दुबाला हो जाए। ईद की मुनासबत से कुछ सुनाए। ईद की मुनासबत से सुनाना शुरू कर। नए मौसम की सहर जैसे सर्द दोपहर, कोई मुझको क्यों मिला है जैसे मंजारे को घर, कोई मुझको क्यों मिला है जैसे बंजारे को घर। वाह, ये तो बड़ा है ना, नए मौसम की सहर। चलो आप भी साथ दे सकते हैं इनका। चल फिर तो मैं जो गाती हूँ वो मैं इनके लिए, इनको हमेशा डेडिकेट करती हूँ गाने में, और वो गाना मैं सुनाऊंगी। तो सुनाए मैं यहाँ चीज का देना। जब कोई बात वाह वाह जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम न इसी पॉइंट पे डिलाइटफुल कपल, बड़ा मजा आया, और बड़े बेझिझक जो सवाल पूछे उनका जवाब दिए, बिल्कुल माइंड नहीं किया, बड़ी मजेदार नशिस्त रही फारूक सत्तार साहब और उनकी बेगम के साथ। आप सबको ईद मुबारक। $1 डील खेलो और जीतो 100 गाड़ियां इस रमजान, जीतो पाकिस्तान में। आप सोच रहे होंगे कि $1 यानी 100 रुपए में कैसे मिलेगी आपको गाड़ी, तो उसका तरीका निहायत ही आसान है। सबसे पहले ARY सहूलत वॉलेट या जीतो पाकिस्तान की एप्लीकेशंस को अपने फोन में डाउनलोड करें, और फिर $1 डील में खुद को रजिस्टर करें।